राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 16। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 16। और बाशा के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा कि मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इसराइल से ऐसे पाप करता आया है जिससे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा जाएंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बाशा के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान बाशा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बाशा और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। एला का राज्य। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिर्सा में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वह तिर्सा में अरसा नाम भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, दारू पीकर मतवाला हो गया, तब उसके जिमरी नाम एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ, और जब वह राज्य करने लगा तब गद्दी पर बैठते ही उसने बाशा के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों को और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, जिमरी ने बाशा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इस कारण बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे जो उन्होंने स्वयं आप करके और इसराइल से भी करवा के इसराइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, क्या वह इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा के राजा आसा के 28वें वर्ष में जिमरी तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिश्तियों के देश गिब्बतोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे, तो जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिमरी ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तब उसी दिन समस्त इसराइल ने ओमरी नाम प्रधान सेनापति को छावनी में इसराइल का राजा बनाया। तब ओमरी ने समस्त इसराइल को संगले गिब्बतोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिमरी ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के घुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम किसी चाल और उसके किए हुए और इसराइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिमरी के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तब इसराइली प्रजा के 2 भाग किए गए। प्रजा के आधे लोग तो तिबनी नाम गिनत के पुत्र को, जो राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए, और आधे उमरी के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग उमरी के पीछे हुए थे
वे उन पर प्रबल हुए जो गिनत के पुत्र तिबनी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिबनी मारा गया और ओम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 21वें वर्ष में ओम्री इसराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तो तिरसा में राज्य किया और उसने शमेर से शोमरोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उन पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोमरोन रखा। और ओम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले से अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इसराइल से करवाए थे, जिसके कारण इसराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिया था। ओम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान ओम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अहाब के राज्य का वर्णन। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र अहाब इसराइल पर राज्य करने लगा और इसराइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। तब उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनवाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इसराइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहूरा पुत्र सगुब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था।